हम सब अपनों की, अपने मित्रों की, परायों की सहायता करते हैं, परंतु हम सब के मन में एक व्यथा रह जाती है कि वो हमारा उपकार भूल गया, कि उसने हमें सम्मान नहीं दिया, कि समय पड़ने पर उसने हमारी सहायता नहीं की। होता है ना ऐसा? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें उपकार भुला देना चाहिए या नहीं, और उत्तर भी दो हैं, हां भी और ना भी। हमें दूसरों पर किए गए उपकार को भुला देना चाहिए, परंतु यदि किसी ने हम पर उपकार किया है तो उसे नहीं भुलाना चाहिए। यदि दूसरों पर किए उपकार भुला दिए तो अपेक्षा नहीं रहेगी, अपेक्षा नहीं रहेगी तो वो टूटेगी नहीं, मन कुंठित नहीं होगा, और स्वयं पर किए गए उपकार को स्मरण रखा तो उसे चुकाने के लिए सदा तत्पर रहेंगे, उपकार करने वाले के कृतज्ञ रहेंगे, तब भी मन प्रसन्न रहेगा। और यदि हम सभी ऐसा करने लगे तो सबके मन को संतोष रहेगा। सुगंध से तो प्रभु परशुराम का तेज स्मरण हो आया है। ये कैसा प्रहार है? प्रहार नहीं, आभार है दाऊ। कहा था ना कि आने वाला योद्धा तनिक भिन्न होगा। हस्तिनापुर के युवराज की ओर से मैं परशुराम शिष्य राधेकर्ण श्री बलराम और वासुदेव को नमन करता हूं। शत्रु को नमन? जिस प्रकार आकाश में आया हर मेघ वर्षा नहीं लाता, उसी प्रकार आगे बढ़ने वाला हर पग शत्रुता का नहीं होता हलदर। हस्तिनापुर की मित्रता स्वीकार करें। शत्रुता का विकल्प तुमने ही चुना था कर्ण। जब मित्रता ही करनी थी तो अश्वमेघ यज्ञ का अश्व रोका क्यों? ताकि यज्ञ पूर्ण करने की आपकी मंशा और आपके वीरों का परिश्रम व्यर्थ ना जाए। इस अश्व को ध्यान से देखिए। इस अश्व का दाया कान कटा हुआ है। अर्थात इसका अंग भंग है, और नीति अनुसार अंग भंगित अश्व के साथ किया गया यज्ञ फलदायी नहीं होता, इसलिए मैंने आपके इस अश्व को रोका। हलधर, मैं स्वयं आपको समझाना चाहता था, परंतु उससे पूर्व आपके वीरों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और कदाचित मुझे उसका उत्तर देना पड़ा। परंतु आपने स्वयं देखा होगा कि मैंने उन्हें केवल निशस्त्र किया, उनके प्राण नहीं लिए। तो तुमने मेरी सहायता करने के लिए अश्व रोका। अद्भुत, हम प्रसन्न हुए। यह अश्व लाने का उत्तरदायित्व किसका था? कान्हा, तुम सबको यही कहते हो ना कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो, लेकिन परिणाम में वही होता है जो तुम चाहते हो। अब क्या करूं दाऊ, मेरा भाग्य ही ऐसा है। भाग्य नहीं, धूर्तता है तुम्हारी।
तुम्हें लेके मेरे मन में जो भ्रम था वो भ्रम तुमने तोड़ दिया है। हम प्रसन्न हुए। कहो क्या इच्छा है? आपसे मित्रता की इच्छा है हल्दर। और एक आश्वासन भी बलराम, आवश्यकता पड़ने पर आप और आपकी सेना हस्तिनापुर की सहायता अवश्य करेंगे। स्वीकार है। परंतु मैंने तुमसे कुछ मांगने को कहा था कर्ण। इस समय मेरा लक्ष्य युवराज दुर्योधन को सर्वशक्तिशाली बना देना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप युवराज दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दें और इन्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ गदाधारी बना दें। स्वीकार है। आओ द्वारका का आतिथ्य ग्रहण करो। वरदान तुम्हें मिला था और तुमने उसे मेरे लिए उपयोग किया। आज तुमने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि संसार में यदि कोई मेरा सबसे बड़ा हितैषी है तो वो तुम हो कर्ण। मैं हस्तिनापुर का हितैषी हूं युवराज, और हस्तिनापुर युवराज का सेवक। मेरा धर्म हस्तिनापुर और आपको शक्तिशाली बनाना है। प्रणिपात युवराज। पुनः पुनः मेरे प्रयास आज सफल हुए। मेरे इतने कठोर परिश्रम के बाद भी कर्ण को द्वारका का समर्थन मिल ही गया। उस कर्ण की दिग्विजय पूर्ण हुई। अभी तक मेरे पुत्र अर्जुन को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। समय आ गया है मुझे ही कुछ करना होगा। इस कर्ण के सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित करना होगा। दिग्विजय पूर्ण हुई कर्ण। लगभग 12 वर्षों तक तुम लगातार युद्ध करते रहे हो। निश्चित रूप से थकान अनुभव हो रही होगी। विश्राम नहीं करोगे? मित्रा के लिए शरीर की थकान से अधिक मन की शांति होती है केशव। मेरा मन अशांत है। एक परिवर्तन का स्वप्न लेकर मैंने अपना जीवन प्रारंभ किया था। तू स्वयं ही परिवर्तित हो गया केशव। परिवर्तन चाहते हो और स्वयं के परिवर्तित होने से घबराते हो। ये दोहरा व्यवहार उचित नहीं राधे। मैं ऐसा परिवर्तन नहीं चाहता था केशव। मैंने सदा स्वतंत्रता की कामना की थी।
स्वयं मैं हस्तिनापुर का दास बन गया। मैंने तो कितनी बार तुमसे ये बंधन तोड़ देने का आग्रह किया अंगराज, तुमने ही नहीं स्वीकार। जानते हो मन में संतोष क्यों नहीं है? क्योंकि लक्ष्य शुद्ध होने के साथ साथ साधन और सहायक भी शुद्ध होने चाहिए, और तुम ये भली भांति जानते हो कि तुम्हारे सहायक कैसे हैं। मित्र, अब भी समय है तुम्हारे पास। नहीं केशव, समय बीत चुका है, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। मैं आपसे पूछता हूं, आपने भी तो कई वचन दिए होंगे, क्या आप अपने वचन तोड़ सकते हैं? कौन जाने मित्र, भविष्य में क्या छिपा है, तुम बताओ। अब दिग्विजय के पश्चात तुम क्या करोगे? केशव, मेरा मन अशांत है, सोच रहा हूं कि हस्तिनापुर जाने से पूर्व गुरु परशुराम के दर्शन करा। विचार उत्तम है मित्र, परंतु स्मरण रखना, कभी कभी अकेला यात्री मार्ग में भ्रम के जाल में फंस जाता है। प्रयास करना कि भ्रम के जाल में ना उलझ जा। केशव, जिस परिस्थिति में मैं हूं, कोई भ्रम मुझे क्या सताएगा? आपकी मुस्कान मुझे बहुत शांति देती है केशव। आज्ञा दीजिए। कभी कभी मनुष्य परिस्थितियों का खिलौना बन जाता है मित्र। कभी कभी मंतव्य शुभ होने पर भी गंतव्य पर कुछ अशुभ हो ही जाता है, इसीलिए यात्रा में सावधानी आवश्यक है। तनिक सी असावधानी बहुत बड़ी दुर्घटना को जन्म दे देती है। सावधान रहना मित्र। अपने गुरु से भेंट करने से मैं तुम्हें रोक नहीं सकता मित्र, परंतु मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ में हस्तिनापुर चलो, मेरे इस दिग्विजय का सम्मान और सत्कार प्राप्त करो। युद्ध में बाण धनुष से चलाए जाते हैं युवराज, परंतु विजय सदा योद्धा की मानी जाती है। उसी भांति दिग्विजय आपकी है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं। आज्ञा दें। अपने मित्र को हार कर ये दिग्विजय अधूरी है मित्र, बारह वर्ष बीत गए। इन बारह वर्षों में तुमने मेरे लिए धनुष उठाए, परंतु कभी दृष्टि नहीं उठाई, ढाल बनकर मेरे शरीर की रक्षा की है, परंतु मित्र बनकर कभी गले नहीं लगाए। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि वनवास उन पांडवों का था या
या मेरा? बस मित्र, अब तो क्षमा कर दो मुझे। एक दिग्विजेता को अपने सेवक से क्षमा मांगना शोभा नहीं देता युवराज। सेवक, सेवक, ऐसे 100 दिग्विजय न्यौछावर कर सकता हूं तुम्हें एक बार गले लगाने के लिए, बस एक बार, एक बार मेरी आंखों में देखकर मुझे मुझे मित्र पुकार के एक बार गले लगा लो मित्र। कदाचित एक बार उस मित्र की पुकार युद्ध भवन में भी सुन ली होती है आपने युवराज। अब जो आपके सामने खड़ा है वो आपका और हस्तिनापुर का सेवक अंगराज कर्ण है, आपका मित्र राधे कर्ण द्रौपदी के अपमान की ज्वाला में भस्म हो चुका है। हो जाते हैं वो किसी को गले नहीं लगा पाते। स्वागत है देवराज, आपके पदचाप ने आपके आने की सूचना दे दी थी मुझे। मेरे पदचाप तो आपने सुन लिए महादेव, परंतु 12 वर्षों से पुकार रहे मेरे पुत्र अर्जुन के स्वर आपके कानों तक क्यों नहीं पहुंचे? क्यों उसकी तपस्या का ताप आपके मन को नहीं पिघला सका? यदि अर्जुन आपका पुत्र ना होता तो क्या तब भी आप उसका कष्ट लेकर मेरे पास आते? स्वीकारता कि मुझे मेरे पुत्र से मोह, परंतु सबको होता है। आप स्वयं ही बताइए क्या दोष है मेरे पुत्र अर्जुन में, या उसकी इच्छा पूरी कर सकने के योग्य नहीं? देवराज, वृक्ष पर लगे फल को खाने की इच्छा करने वाले को मात्र वृक्ष पर लगे फल को तोड़ने का परिश्रम करना पड़ता है। मोती की आकांक्षा करने वाले को सागर के तल तक जाने का परिश्रम करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अमृत पीने की इच्छा करने वाले को भी गहन साधना का विष पीना पड़ता है। आपका पुत्र मुझसे पशु पदार्थ की इच्छा रखता है। ये विध्वंसकारी अस्त्र उसे देने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि क्या वो उसके योग्य है। शक्तियों के साथ साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ता है। यह जान लेना आवश्यक है कि क्या वो ये उत्तरदायित्व उठाने योग्य है या नहीं। पशुपतास्त्र पाना है, कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा अर्जुन को। अपने पुत्र के मुंह में आपने क्या क्या किया है मुझसे कुछ छिपा नहीं। पूरे पुत्र को नीचा दिखाने के लिए आपने देवराज पद की गरिमा को किस तरह लांछित किया है भली भांति जानता हूं। देवराज, यदि एक पिता अपने पुत्र की परीक्षा लेता है तो पुत्र प्रशंसा पाता है। जब एक पिता पुत्र की प्रशंसा करता है तो पुत्र केवल परीक्षा पाता है। आशा है कि अगली भेंट देवराज इंद्र से होगी, पुत्र मोहि पिता से नहीं। हां, मैं पुत्र मोहि हूं महादेव, परंतु मुझे अपने पुत्र की कौशलता, योग्यता और तपस्या पे अनंत विश्वास है। आपकी प्रत्येक परीक्षा में मेरा पुत्र अवश्य सफल होगा,
किंतु जिस कारण आपने उस कर्ण के लिए देवराज इंद्र को अपनी दृष्टि नीचे करने पर विवश कर दिया, कर्ण को ऐसे परीक्षा में डालूंगा कि वो कभी सफल नहीं होगा। उस दिग्विजय कर्ण को दिशाविहीन कर दूंगा, महाशाप दिलाऊंगा उसे।